हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसान में गुस्ताखी किया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने, उसके बाद जो है पूरे दुनिया के इस्लामिक देशों ने जो है फ्रांस का बहिष्कार किया। मगर जिस तरह से हिंदुस्तान में भी फ्रांस के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं आवाज़ उठ रही है, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें खास करके मुंबई और मुंब्रा की, तो यहाँ पर सड़कों पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति के जो है फोटो चिपका दिए गए थे। और आज जो है जिला अधिकारी को मिलकर मुंब्रा के जमीतुल उलमा हिंद के जो सदर है मुंब्रा के, इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। हम उन्हीं से बात करते हैं, मौलाना वहाब कासमी जो जमीतुल उलमा हिंद के मुंब्रा के सदर है। क्या आप लोगों ने ज्ञापन जो सौंपा है, इसमें आप लोगों ने क्या मांग की है? आज जमीतुल उलमा मुंब्रा की तरफ से जिला अधिकारी जनाब चिवलकर साहब को हम लोगों ने थाना उनके ऑफिस में जा कर के लेटर दिया है। और हम लोग जो है फ्रांस में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है और वहाँ के सदर जो गुस्ताखी करने पर बजिद हैं, उनके ख़िलाफ़ हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपने वज़ीर ख़ारिजा को लेटर दिया है और अपने कलेक्टर साहब से कहा है कि आप बराए मेहरबानी ये लेटर उन तक पहुँचा दीजिए। उसमें हम लोगों ने ये लिखा है कि भाई कोई ऐसा कानून बनाया जाए पूरे दुनिया के अंदर कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी धर्म की जो मेन हस्ती है उसकी तौहीन ना हो। और हमारे पैगंबर की तौहीन होती है तो मुसलमान के दिल में तकलीफ़ होती है, मुसलमान पैगंबर की तौहीन तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब तकलीफ़ होती है तो उसमें उससे उल्टे सीधे काम होते हैं, वो भी बुरा है, लेकिन उसके रद्द अमल में हो जाता है। एक बुराई को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा कानून बन जाए कि पूरे दुनिया के अंदर की इस तरह की कोई हरकत ना करे तो उससे अच्छा रहेगा। और हम लोगों ने ये बातें उसमें लिखी हैं और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से और अपनी हुकूमत से भी दरख्वास्त किया है कि आप ज़रा फ्रांस के सदर को और फ्रांस की हुकूमत के ऊपर ज़ोर डालिए कि इस तरह की हरकतें ना हों जिससे किसी एक कौम के लोगों के दिल को तकलीफ़ पहुँचे। मौलाना साहब, आपने जो है प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, लेटर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हिंदुस्तान की जो राजनीतिक पार्टियां, इसमें से कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है वो फ्रांस के समर्थन में थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब फ्रांस के समर्थन में अगर कोई राजनीतिक पार्टी है या कोई भी हो तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो उनका है मामला। लेकिन ऐसा समर्थन करना भी नहीं चाहिए और इसमें सियासत की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो पूरे दुनिया में है और पूरे दुनिया के लोग इस्लाम को जानते हैं और इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और कदर सब लोग करते हैं। अगर कोई सियासी पार्टी हमारे दुश्मनी में, मुसलमानों की मुखालिफत में इस तरह की हरकत करती है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं और उसे दरख्वास्त करते हैं इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। मौलाना, कहीं ना कहीं ऐसा है कि गुस्ताखी की जाती है और बाद में माफ़ी मांग ली जाती है, क्या कहेंगे इसको? गुस्ताखी की जाती है और माफ़ी मांग ली, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तो यही है कि अगर कोई माफ़ी मांगे, अल्लाह के रसूल का कौल है कि अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो जो आदमी शर्मिंदा होता है और अपने किए पे नादिम होता है और वो कहता है कि माफ़ किया जाए, तो अल्लाह बैठे हैं माफ़ करने वाले, अल्लाह उसकी गलती को माफ़ करेंगे। अगर माफ़ी मांगना भी एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि जो फ्रांस में ये घटना हुई और वहाँ पर काफ़ी विरोध हुआ, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो भी विरोध किए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको एक अलग तरीके से देखा गया, एक अलग नज़र से देखा गया कि क्या आतंकवाद को समर्थन करते हैं इसलिए ये विरोध कर रहे हैं, ऐसे अलग तमाम तरीके के जो है रवैये इस पर अपनाए गए। देखो, इस्लाम तो आतंकवाद की कभी समर्थन किया ही नहीं है, ना करता है ना करेगा। सॉरी, आतंकवाद कोई अच्छी चीज़ है?
इस्लाम तो कहता है अपने दुश्मनों को गले लगाओ, इस्लाम कहता है कि भूखों को खाना खिलाओ, आपका पड़ोसी कभी भूखा ना सोए, और ये कत्ल गारत गरी ये तो इस्लाम के अंदर है ही नहीं है। आप हमसे मोहब्बत करेंगे, हम आपसे मोहब्बत करेंगे। हाँ, जो लोग फितना परवरी करते हैं और इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं और इस्लाम को बदनाम करने के लिए लगे रहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? अच्छे अच्छे लोग भी अगर गलती करेंगे तो क्या कर सकते हैं आप? बस अल्लाह ताला से दुआ हम लोग करते हैं कि अल्लाह ताला हर मजहब के लोगों की हिफाजत फरमाए और हर मजहब के रहनुमाओं की हिफाजत फरमाए, ख़ासकर हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उनकी शान शौकत को अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब बढ़ाए और उस पर कोई कभी आँच ना आने दे। मुफ्ती बासित साहब, आप क्या कहेंगे? आप लोग जिला अधिकारी कार्यालय गए थे, वहाँ मिलकर आए, लेटर भी दिए हैं, तो अब इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से गुस्ताखी की गई थी, कहीं ना कहीं अब उन्होंने माफ़ी मांगा है, उनको आर्थिक तौर पर भी नुकसान काफ़ी हुआ, इसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने माफ़ी मांगा। फ्रांस में पिछले तकरीबन 10 सालों से सिलसिला चल रहा है। इससे पहले चार्ली हेब्डो का मामला था, उन्होंने सिलसिला शुरू किया था, और जब तक के मुकम्मल तौर पर फ्रांस में इस पर कोई कानून नहीं बनता है और अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मजहबी शख्सियात का तकद्दुस बरकरार रखा जाए, किसी भी मजहबी शख्सियात को की मजम्मत और या उनकी तौहीन नहीं की जा सकती है, फ्रांस अपने मुल्क में लागू नहीं करता है, तो माफ़ी मांग लेने से इस हद तक तो बात हो सकती है कि फ़्रांस इस वक्त रुक गया है, लेकिन बाकायदा जब तक वहाँ कानून नहीं बनता है, इस तरह का एहतजाज मुसलमानों की तरफ से होते रहना चाहिए और उनके ऊपर जो इकनॉमिक मार पड़ी है बायकॉट के ज़रिए से, वो सिलसिला कायम रहना चाहिए। जब तक कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ एक्शन न हो, सज़ा न हो, उन पर बैन न लगाया जाए, जब तक कि इस माफ़ी को नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की है, अपने मामलात को और बायकॉट को तोड़ने के लिए उन्होंने कदम उठाया है। अगर वाकईतन माफ़ी मांगना चाहते हैं तो हम उसको कबूल करते हैं, और उसके लिए उनके तरफ से एक सबूत चाहिए कि वो ऐसे खाके शाये करने वाले जो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब होने वाले लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी एक्शन हो और वहाँ कोई कानून बनाया जाए। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और हम चूँकि यहाँ पे कोरोना की महामारी है, तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि हुब्बे नबी और इश्क़े रसूल के अंदर आप हर जगह अपना एहतजाज पूरे कानून की रियायत करते हुए दर्ज कराएं, और हुकूमत हिंद के ऊपर हम दबाव बनाएं कि वो फ़्रांस के ऊपर दबाव बनाएं कि इस तरीके का मामला करने से हमारे यहाँ की सूरत हाल भी गंभीर हो सकती है। और यहाँ के ताल्लुक से जो आपने पूछा है किसी भी पार्टी के ताल्लुक से, तो उसका जवाब हम हजरत ने दे दिया है। तो आपने सुना कि जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद के जो सदर हैं, इनके साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी आज जिला अधिकारी कार्यालय पर गए थे और वहां पर एक मेमोरेंडम दिया। जिस तरह से इस्लामिक विरोध इस्लामिक तौर पर जिस तरह से फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जो बयान दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं विरोध हुआ और घुटनों के बल कहीं ना कहीं फ्रांस आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मांग हो रही है कि एक बेहतर कानून बनाया जाए ताकि कोई भी देश हो या कोई भी देश के राष्ट्रपति हो, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसी बयानबाजी करने से पहले वो 100 बार सोचे। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।